एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो आज का वीडियो काफ़ी फन होने वाला है। टुडे इस वीडियो गोना बी लाइक मेकअप प्लस Q&A वीडियो। सो आई आस्क यू गाइज टू माई इंस्टाग्राम के मुझे क्वेश्चंस पूछो फॉर Q&A। सो विल बी डूइंग मेकअप प्लस Q&A वीडियो टुडे। सो या इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोना डूइंग this kind of a video, this kind of a fun video into my channel. So without any further ado, let's get into the video. First, let me just try with the moisturizer. This is the Cetaphil का moisturizer. In case अगर मैं कोई भी details आपको यहाँ पे video में बताना भूल जाऊँ तो please description box check कर लेना, वहाँ पे मैं सारे details आपको दे दूँगी. In case अगर कुछ भी रह जाता है, you will be getting all the details over there. So please check that out and subscribe me if you haven't subscribed me yet, because I do have lot of fun content coming in nowadays. So make sure you subscribe it if you haven't already and hit the bell button as well near to that. So yeah, first of all, this is, those who are following me, they know this is one of my go-to moisturizer, Cetaphil ka moisturizer. I do have extreme dry skin, main har bari bolti hu, but so let's dive into the first question. So the first question is, what's your biggest kitchen fail? Okay. So first thing first, मुझे cooking नहीं आती है. काफ़ी सारी लड़कियां मेरे जैसी होंगी जिनको कुकिंग नहीं आती होगी, एंड आई एम वन ऑफ देम. मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है. व्हाट हैपेंड वाज कि एक बार मैं किचन में घुसी थी एंड आई ट्राई टू कुक समथिंग, बिकॉज मेरे घर वाले बोल रहे थे कि आपको सर्वाइवल फूड तो बनाना आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो आपको करना आना चाहिए. तो आई थॉट कि चलो कुछ ट्राई करते, मैगी वगैरह अंडा वंडा बॉयल कर लेती हूँ, बस उतना ही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है. सो माई मॉम वॉज लाइक थोड़ा बहुत तो सर्वाइवल फूड बनाना आना चाहिए. सो दिस इज बैक आई गेस चार पाँच साल पहले. मैंने सोचा कि दाल बनाते हैं. यस गाइस, ना रोटी ना सब्जी, डायरेक्ट मैंने दाल बनाने का सोचा. आई वॉज लाइक दाल में होता क्या है, मतलब उबाल लेनी और तड़का ही मारना है. सो दैट्स गोना बी रियली ईजी. एंड माई मॉम वॉज लाइक थोड़ा कुछ सीख ले. उस लाइक हाँ चलो सीख लेते. ओ माई गॉड गाइस, आई एम नॉट किडिंग यू. वो दाल बना तो ली मैंने. एक्चुअली मम्मी ने मुझे गाइड किया था कैसे कैसे क्या बनाना है, बट उसमें कुछ तो भी हुआ, आई एम रियली नॉट श्योर क्या हुआ. वो दाल मैंने बना तो ली और बनाने के बाद इतनी हॉरेबल बनी, इतनी हॉरेबल बनी कि मैंने खुद का ही टेस्ट किया एंड आई प्यूक. आई वाज लाइक ओ शिट, ये क्या बना दिया. मतलब वो लिटरली ऐसा लग रहा था कि गर्म पानी पी रहे हो आप, और जो उसका पानी है वो ऊपर तैर रहा था और उसका जो दाल है वो नीचे था. एंड मैंने उसको दो तीन बार मिक्स किया, बट स्टिल इट वाज लाइक पानी ऊपर और दाल नीचे. माय मॉम वाज लाइक तू रहन दे, चीज़ें बिगाड़ रही है, आई विल कुक, तू ट्राई मत कर, तेरे बस की नहीं है. सो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने किचन में कुछ मैगी के अलावा बनाया होगा सर्वाइवल फूड के नाम पे. सो दैट वॉज अ दाल एंड दैट वॉज अ सच अ फेलियर आई मस्ट से. सो आई एम टेकिंग दिस प्राइमर अलॉन्ग विद दिस. और यार मम्मी को है ना ऐसा होता है, मतलब मम्मी को नहीं, मेरे मॉम को नहीं, सारे पेरेंट्स को ऐसा होता है कि यू मस्ट बी नोइंग द सर्वाइवल फूड इन केस अगर आप बाहर जाते हो. यू मस्ट बी नोइंग के यू नो आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो. बाहर से तो आप मंगा ही सकते हो डेफिनेटली, बट हाँ अभी आई कैन कोप. मैं यूट्यूब देख के काफ़ी सारी चीज़ें बनाना सीख गई हूँ. एंड बाय द वे कल ही मैंने कढ़ी पकौड़ा बनाया था एंड इट वॉज अमेजिंग. मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे ऐसा लगा था यार खाने लायक बन जाए, बिकॉज मुझे वो देख के यूट्यूब में देख के बहुत ज़्यादा टेंटिंग लग रहा था. आई वॉज लाइक लेट्स ट्राई, अगर कुछ अच्छा बन गया तो खा ही लेंगे, बट दैट वॉज रियली रियली अमेजिंग. बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी शो यू दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई एम यूजिंग, करेक्टर पैलेट इन द नायका मीडियम 2. एंड आई एम जस्ट यूजिंग दिस कलर राइट हियर एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस अंडर माई आई.
And till the time, let me check the next question. So, have you ever sent a text message to wrong person? Okay, this happened quite recent. So, मैं दो जन से at the same time chat कर रही थी WhatsApp पे. And you know, मतलब दोनों अलग अलग conversation था और you know, दोनों को साथ साथ में बात करते करते what happened is कि मैंने एक बंदे का response दूसरे को कर दिया and yeah, but luckily इस बंदे ने देखा नहीं, मैंने तुरंत ही delete कर दिया. वो होता है कभी कभी आप एक साथ दो बंदों से chat कर रहे हो ना, तो आप confused हो जाते हो okay. और एकदम से दोनों के साथ में responses आ रहे थे. तो yeah, this is a quite recent thing happened with me. So this is the beauty blender I'm taking to blend this color corrector. यार मेकअप के साथ क्यू एन ए करना बहुत डिफिकल्ट है. या तो आप मेकअप कर सकते हो या तो आप बोल सकते हो. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बट लेट मी जस्ट डू दिस थिंग क्विकली. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द राइट एज टू गेट मैरिड. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर यू दिस. दिस इज टोटली सब्जेक्टिव क्वेश्चन. सो लेट मी टेल यू, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है एंड आई एम 28 ईयर्स ओल्ड. सो किस जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं. सो इट्स टोटली डिपेंड के यू नो वेन एवर यू फील लाइक के यू आर अप फॉर द मैरिज एंड नाउ दिस इज द टाइम यू वॉन्ट टू गेट मैरिज. सो या I think that's the best time. That's totally subjective question. So along with that, let me just use the foundation. I'm using this Milani ka 2-in-1 foundation. I am in the shade 02 natural and this is my recent purchase you guys, and I'm really really impressed with the result. Next, I am using this Fit Me ka concealer. I am in the shade 10 light. So I'm just applying this under my eyes. और जहाँ जहाँ मेरे पिगमेंटेड एरियाज मुझे दिख रहे हैं, आई एम जस्ट अप्लाइंग दैट ओवर देयर. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. यूट्यूबर यू सब्सक्राइब टू. सो बेसिकली मुझे ये सही बताओ इंस्पिरेशन एक बंदी से ही आया है. लाइक मैं जब नया नया यूट्यूब मैंने देखना चालू किया था, आई एम जस्ट टेकिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर. सो मैंने नया नया जब यूट्यूब देखना चालू किया था और ये सारे वीडियोज़ वगैरह सब मैंने देखने चालू किया, तो सबसे पहले जो मैंने जिसका चैनल विजिट किया था, विजिट एज इट मैं कुछ स्क्रॉल कर रही थी और उसका चैनल अचानक से आ गया था, दैट इज़ दैट बोबो गर्ल कृतिका खुराना. आई नो सबको पता ही होगा, शी इज सच अमेजिंग सोल. एंड यार वो बंदी को देख के ना मतलब एकदम अलग ही वाइब आती है. वो एकदम उसके मैं बाद में स्क्रॉल डाउन करके उसके पुराने वीडियोस देखने लग गई और फिर देखने लग गई कि यू नो कैसी है वो और उसका कैसा लाइफस्टाइल है, हाउ शी कैरी हर सेल्फ, और वो कितनी पॉजिटिव रहती है. एंड या आई रियली लव दैट गर्ल. और द क्वेश्चन इज कि आपने फर्स्ट किसको सब्सक्राइब किया, दैट इज अ दैट बोबो गर्ल. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूट्यूबर्स यू लव टू कोलैब विद. सो बेसिकली मुझे तीन चार यूट्यूबर्स जो मैं एक्चुअली जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं मतलब उनकी वजह से उनका चैनल देखती हूँ, बिकॉज द काइंड ऑफ अ पर्सन दे आर, उसकी वजह से आई रियली लव यू नो उनके कंटेंट देखना मुझे इसलिए पसंद है. सो द फर्स्ट थिंग एज आई टोल्ड यू दैट बोबो गर्ल, आई रियली एडमायर हर वर्क और मुझे वो बंदी बहुत ही अच्छी लगती है. सो एक तो होगी दैट बोबो गर्ल. द अनदर वन यूट्यूब
यूट्यूबर जो कि मैं अभी रिसेंटली उसके पेज पे रिसेंटली एज एन मुझे एक दो साल में मैंने उसका पेज डिस्कवर किया था. वो भी मेरे फीड पे आई थी ऑल ऑफ सडन. आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक हाउ टू स्टार्ट द यूट्यूब एंड ऑल द स्टफ, और उसी के थ्रू वो रिकमेंडेशन से आई थी. दैट इज ज्योति सेठी. यार वो बंदी क्या सही बंदी है, लाइक एफर्टलेसली यू नो उसके वीडियोज होते हैं एंड आई रियली लव हर व्लॉग. मतलब बहुत ही यू नो ईजी तरीके से, और आप घर पे रह के किस तरीके से व्लॉग कर सकते हैं, और उसको व्लॉग देख के बिल्कुल भी बोर होता ही नहीं है. मतलब ऐसा होता है कि हाँ लाओ देखते जाए. सो आई रियली लव हर व्लॉग एंड द काइंड ऑफ अ पर्सन शी इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, जो कि मुझे समझ में आया उसके व्लॉग और उसका इंस्टा फॉलो करके. आई रियली लव हर व्लॉग एंड या फिलहाल के लिए तो ये दो ही है जो कि मुझे आई रियली रियली वॉन्ट टू कोलैब विथ इनकेस इन फ्यूचर कभी हम कर पाए तो. या आई रियली लव टू. सो या डन विथ माई आईब्रोज ऑफ कैमरा. दिस इज वॉट आई हैव यूज्ड, नायका का ब्राउ गर्ल, या ब्राउ गर्ल पेंसिल, आईब्रो पेंसिल. सो दिस इज वॉट आई हैव यूज्ड. And let's move to the next question. That is, do you speak any other language? So basically, most of you, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता है. Basically, I am from Northeast. I am from Assam. And I'm from Assam and I can speak 5 language. Yes. Okay, so I was saying that I am from Assam. I'm from Northeast Assam and I can speak 5 languages. So the one is my own language, that is Manipuri. The another one is Bengali. Bengali is just because के मेरे dad से मैं Bengali में बात करती थी, और मेरी mom से मैं मेरी language that's Manipuri उसमें बात करती थी. So that's the reason I know Manipuri, Bengali and Gujarati, because I'm based in Gujarat. I'm from Ahmedabad, born and brought up in Ahmedabad. So मुझे Gujarati इसलिए बहुत अच्छे से आती है. Hindi जो कि मैं आपके साथ बोल रही हूँ, and the other one is English. So in total I can speak 5 languages all together. Yeah, proud of myself. Alright, so with that question, let me just contour my face quickly. Okay, then let's move to the next question. Where do you spend most of your time? So where do you spend the most of your time? If you're talking about the social media, so the first is YouTube, the second is Instagram. Facebook कभी कभार मैं चला लेती हूँ, but usually ये दो ही platform है जहाँ पर मैं active रहती हूँ. जब भी मुझे time मिलता है, I'm always like YouTube में या फिर Instagram में. So yeah, that's the two platform I always active in. So इसी के साथ हम करेंगे हमारे eyes, और जब eyes कर रहे हैं, I'm not gonna take any questions because I have to concentrate on my eyes. आज मैंने सोचा है कुछ नया लुक क्रिएट करते हैं, सो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन की हमको ज़रूरत रहेगी. सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस मॉर्फी एक्स जेम्स चार्ल्स का ब्यूटिफुल पैलेट, एंड इन विच एज वी कैन सी वी डू हैव लॉट्स ऑफ कलर्स. सो आई थॉट कि आज कुछ पर्पल आई लुक बनाया जाए. सो आई एम टेकिंग दिस कलर, दिस इज पर्पल, बट पता नहीं यहाँ पिंक क्यों दिख रहा है. दिस कलर, लेट्स सी हाउ इट्स गोना टर्न आउट. लेट मी
गाइस सून। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी कलर से पूरा अपना बेस कर रही हूँ। मेरा बेस ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है, उसके बाद आई एम थिंकिंग कुछ शिमरी ट्राई करते हैं। इसमें कुछ शिमरी है क्या? यस वी डू हैव अ शिमर, दिस कलर, दिस इज क्वाइट ब्राइट। यूजिंग माई फिंगर्स, क्योंकि फिंगर्स से काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग इट मेरे इनर कॉर्नर में, सो इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज आई एम अप्लाइंग इट। सो कलर के साथ और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा लॉन्ग विद दिस कलर, बट सो मैंने इसको मेरे इनर कॉर्नर ऑफ आई से लेकर मिड यहाँ तक आके मैंने छोड़ दिया है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग अनदर फ्लफी ब्रश and okay and I'm taking this color, this right here, and I'm just applying it mere outer corner pe. So basically I'm not sure you guys ye kya turn out hoga, but आज एक्सपेरिमेंट करने का मन किया, सो आई थॉट इसको मैं अंदर की तरफ पुश कर रही हूँ। आई एम जस्ट पुशिंग दिस इनवर्ड्स, ठीक है, और यार फॉल आउट हो रहा है। ठीक है, अब सो मैंने ये जो सेंटर में ये वाला कलर अप्लाई किया, दिस इज अ शिमरी स्काई ब्लू कलर, एंड ये मैंने अपने सेंटर में यहाँ पे अप्लाई किया है जस्ट टू क्रिएट अ लुक। लेट मी जस्ट कंप्लीट माय सेकेंड आई ऑफ कैमरा एंड आई एम जस्ट कमिंग राइट। So I'm back. I already applied the eyeliner as well. This is the eyeliner which I have used, Lakme ka Insta liner. So this is my go-to eyeliner. मैं most of the time यही use करती हूँ. So we are done with the eye look and I am quite impressed with how it turned out. So yeah, do let me know in the comment section how you find this eye look. Done with the eyes, lashes वगैरह लगानी है, but I am waiting के liner सूट जाए, तब तक will be applying this blush. This is K Beauty का matte blush in the shade soft nude, and let me just pick the another question. Where would you like to be right now? तो यार अभी तो मुझे सबके रील्स देखते देखते माउंटेन विजिट करने की बहुत ही वो हो रही है कि हर कोई किसी जिसको भी देखो पहाड़ पहाड़ के वीडियोस डाल रहा है, रील डाल रहा है। सो आई रियली वांट टू बी इन अ माउंटेन। मैंने सोचा भी था कि अगर थोड़ा कोविड सही हो जाता है सो विल बी विजिटिंग समवेयर, या तो उत्तराखंड में या तो फिर समवेयर ओवर देयर, बिकॉज यार इसके पहले जो मैंने ट्रिप की थी दैट वाज गोवा, वो बीच पे की थी। सो आई हैवंट विजिट लाइक माउंटेन सिंस सो लॉन्ग, सो आई थॉट कि अगर मैं अभी नेक्स्ट कोई भी ट्रिप करती हूँ इन केस, तो आई वांट
that want to be in mountains, of course. Alright, so let me just quickly use mascara and eyelashes and I will be right back. Mascara laga liya, this is what I have used, Maybelline ka Hyper Curl mascara, and I'm just waiting ke ye sook jaye to main eyelashes lagau. Till the time let me just pick the next question. So describe your perfect day. So basically perfect day तो वही होता है यार कि मस्त, अभी बारिश का मौसम हो रहा है, so मस्त chill करो, भजिए खाओ और TV देखो, Netflix and chill kind of a day, it's gonna be my perfect day. So basically मैं Netflix इतना देखती नहीं हूँ, you know usually अगर मैं घर पे होती हूँ या फिर वीकेंड्स पे जब भी मैं अवेलेबल होती हूँ, सो मैं हमेशा टीवी देखना प्रेफर करती हूँ ओवर नेटफ्लिक्स. और अभी जो वेदर है यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो रखा है, दो दिन से बारिश हो रही है, एकदम ठंडा ठंडा वेदर हो रखा है, सो उसमें एकदम मस्त भजिए खाओ, टीवी देखो और चिल करो. दैट्स गोना बी माय परफेक्ट डे, दैट्स व्हाट आई डिड आज दिन में. सो या So yeah, that's somewhat it's gonna be my perfect day. So let's move to the next question. If you could have one superpower, what would it be? So basically, फिलहाल कोविड के टाइम पे तो सुपरपावर ऐसा ही है कि जैसे हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और निकलना भी नहीं चाहिए. और you know, मैं ट्रैवलिंग बहुत मिस कर रही हूँ. मैं मतलब you know ऐसा होता था कि काम से ब्रेक के लिए 6 महीने में एक ट्रैवल तो ज़रूरी था, बट ड्यू टू दिस कोविड हम कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं. इट्स रियली दैट इम्पॉर्टेंट, सो प्रिकॉशंस लेके आप डेफिनेटली कर सकते हो. बट अभी के लिए मैं ऐसा सुपर पावर चाह रही थी कि ऐसे नहीं चुटकी बजाओ, जो आपका मन चाहे डेस्टिनेशन है वहाँ पर आप पहुँच जाओ. सो अभी यार मैं ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ. और क्योंकि काम से थोड़ा आपको ब्रेक चाहिए होता है, और वो ब्रेक तभी मिलता है जब आप ट्रैवल करते हो, अपने लिए टाइम निकालते हो और नई प्लेसेस विजिट करते हो विद योर लव्ड वंस और योर फ्रेंड्स और व्हाटसोएवर. सो या आई विश ये सुपर पावर होता मेरे पास, बट वी डोंट हैव दैट पावर, सो वी हैव टू बी इन रियलिटी. ये चुटकी वाला सीन हो नहीं सकता है, सो वी हैव टू वेट टिल द टाइम कोरोना गेट ओवर कि हम वापस से ट्रैवल कर सकें, नॉर्मल लाइफ जी सकें. सो या सो आई एम डन विद द आईलैशेस एंड अब पूरा आई लुक कंप्लीट हुआ है. नाउ यू कैन सी हाउ माय आई लुक्स लाइक एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हाउ इट टर्न्ड आउट. एंड डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. So yeah, this is the complete eye look. And let's move to the next question. So what is your favorite food? So favorite food, basically I love street food. मतलब मुझे street food काफ़ी ही पसंद है. और street food में सबसे first number पे आता है पानी पूरी. I love पानी पूरी लाइक एनी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अ हाइलाइटर. आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर टू हाइलाइट माई चीक बोन्स. सो या एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद द क्वेश्चंस. यस, one more last question. So let me just apply this highlighter first. So I really love this highlighter. ये like मेरा favorite, one of the favorite highlighters है. मुझे ये काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है. And as you can see the amount I have used, ये almost ख़त्म होने वाला है. Let me just show you. Okay. So बीच में से आप देख सकते हो मैंने इसको खट्टा कर दिया है, खत्म होने वाला है. वी आर डन विद द हाइलाइटर एंड द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन. और उसके साथ साथ ही हमारा सिर्फ लिपस्टिक लगाना रह गया है. देन आई गेस वी आर डन विद दिस. आई एम नॉट श्योर कितना लंबा था ये वीडियो हो गया होगा. लास्ट क्वेश्चन इज,
वेयर आर यू फ्रॉम. सो बेसिकली मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट लेट मी आंसर यू दैट. आई एम बेसिकली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आसाम, बट करंटली राइट नाउ आई एम इन अहमदाबाद. आई एम स्टेइंग इन गुजरात अहमदाबाद. सो या अलॉन्ग विद दैट लेट मी जस्ट अप्लाई द लिपस्टिक. दिस इज नायका का लिपस्टिक इन द शेड 11M नॉटी न्यूड. सो लेट मी जस्ट क्विकली अप्लाई दिस. सो वी आर डन विद द मेकअप एंड द Q&A एज वेल. सो दिस इज हाउ द लुक टर्न आउट. डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक फॉर दिस लुक इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड दिस वॉज अ फन वीडियो यू गाइज. हमको ऐसे कुछ ना कुछ फन वीडियोज करते रहना चाहिए. होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव ऑलरेडी. टिल देन बाय.